जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मेहरान में EPS इंस्टॉल करने आए हैं और आपको पता है कि मेहरान का जो स्टीयरिंग है वो दोनों हाथों से भी घुमाने से नहीं घूमता, तो हमने सोचा इसमें EPS इंस्टॉल करें। और EPS जो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं जो जैपनीज़ VXR है। वैसे तो इसमें जो अल्टो है जैपनीज़ 6-7 मॉडल जिसको चांद अल्टो भी कहते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो उसका जो EPS है वो भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है। लेकिन जब हमने स्टडी की तो फिर ये हुआ कि जो VXR का जैपनीज़ जो आ रहा है वर्जन, तो उसका जो EPS है वो इसमें बेहतरीन फिटिंग में आता है। तो हमने इसका जो पुराना स्टीयरिंग है वो तो खोल दिया और अभी इसको हम लेकर जा रहे हैं, जो इसका पुराना और जो दूसरा हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो दोनों हम अपने खरादिए के पास लेकर जाएंगे, उसमें अल्ट्रेशन होगी थोड़ी और उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। तो हमारे साथ रहें और देखते जाएं इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम इसको खरादिए के पास ले आए हैं और इसमें कुछ अल्ट्रेशंस होंगी वो करेंगे। नहीं, आप कौन से क्रॉस की बात कर रहे हैं? ये वाला हम लोग क्रॉस कर जाएंगे ना, हाँ। ये नहीं लगेगा, ये आपका मोटर का। अच्छा, हमारे पास ये क्रॉस पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, ये लगाओ, ठीक है, क्रॉस आगे आ जाओ। अच्छा, ये इसका जेन्युइन है? ये इसका नहीं है। अच्छा जी, तो ये जो हमारा क्रॉस था वो रेडी हो गया, इसमें कुछ अल्ट्रेशंस थी हमें करनी पड़ी और अब ये बिल्कुल रेडी है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की है हमने ताकि वो स्ट्रांग रहे। गरम है, जी।
अच्छा जी, जो खराबी का काम था वो कंप्लीट हो गया था और उनसे हम ले आए हैं वो जो स्टेयरिंग था, ऑलमोस्ट वो तकरीबन आप कह लें कि 30 मिनट्स 45 मिनट्स लगाते हैं अल्ट्रेशन में। और ये जो सारा प्रोसेस है पावर स्टेयरिंग लगाने का, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आपके, और इससे ज़्यादा का नहीं है। तो अभी हम इसको वापस फिट करेंगे और आपको फिर बताएंगे भी कि गाड़ी कैसी हो गई है। तो हमारे साथ रहें। तो फाइनली हमारा EPS इंस्टॉल्ड हो गया है, फिटिंग्स हो गई हैं। तो चलें देखते हैं, गाड़ी स्टार्ट है और ये काफ़ी स्मूथ हो गया है, एक हाथ से घूम रहा है, पहले तो दोनों हाथों से ही बहुत मुश्किल होता था। अच्छा जी, गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। टोटल कॉस्ट जो मेरी आई है EPS पे 12,000 रुपये है,
आप भी करा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी स्मूथ हो जाती है गाड़ी इसके साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ियों में लगाएं मेहरान में। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।